रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.16 दिया है। क्वेश्चन सेज व्हाई डज द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ये आपका केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और ये बोलता है कि भाई ये क्यों हो रही है रिएक्शन, रीजन क्या है, ठीक है, वो पार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर इट सेज व्हाट कंक्लूजन अबाउट द कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें से आपका इसका एनायन जो प्रेजेंट है Xe(O)6 फोर माइनस इज ए पार्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन। अच्छा, इसके बारे में क्या बताएंगे आप, क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले हम इस रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में देखेंगे जो आपका H प्लस आयन लगा हुआ है, ये मीडियम का पार्ट होता है भाई, एच प्लस आयन, ठीक है। अगर H प्लस आयन दिया हुआ मतलब रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, ओ एच माइनस आयन दिया है रिएक्शन हो रही है आपकी बेसिक मीडियम में, तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स की निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद में डिटरमिन करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ठीक है भाई। और रिडॉक्स रिएक्शन जो होती हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑफकोर्स ये होगी, क्योंकि ये फिजिबल रिएक्शन होती हैं, ठीक है भाई। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपका दिया है Xe(O)6⁴ - ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Xe की निकालिए, 6 क्या हो गया ऑक्सीजन तो -2, ओवरऑल चार्ज कितना है -4, निकालिए भाई। Xe -12 = -4, Xe इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 + 12 = कितना हो जाएगा +8, ये हो गया, ये शो कर रहा है आपका +8 ऑक्सीडेशन स्टेट Xe, ठीक है। इसमें फ्लोरीन में अगर आप देखें ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, H प्लस आयन तो मीडियम का पार्ट दिया हुआ है। इसमें आइए, ये Xe(O)3 दिया हुआ है, तो Xe+3 ऑक्सीजन -2 ये न्यूट्रल कंपाउंड है, जीरो कर दीजिए, तो Xe-6 = 0, ये Xe = G0 हो गया, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये हो गया आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब उधर फ्लोरीन के बारे में बात करें, F2 ये तो मॉलिक्यूल है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए भाई, अगर मैं Xe से Xe आता हूँ भाई, ये +8 है वो +6 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान दीजिए, कभी भी अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसका उल्टा अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होती है। छोटी सी इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिए, मतलब इस एलिमेंट का या इस कंपाउंड का क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, ये +8 है ये +6 है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन रिएक्शन, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है भाई। अच्छा, मैं फ्लोरीन टू फ्लोरीन अगर मैं मूव करता हूँ, फ्लोरीन टू फ्लोरीन, तो यहाँ पर ये -1 शो कर रहा है, उधर 0 शो कर रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लीजिए, यहाँ पर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, अब इसका हो रहा है रिडक्शन, एक सब्सटेंस का हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरे सब्सटेंस का हो रहा है रिडक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर ये पूछा जाए कैसी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें से एक सब्सटेंस का रिडक्शन दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो स्पॉन्टेनियस या फीजिबल रिएक्शन है ये होगी, ठीक है, हो ही रही है, और प्रोडक्ट भी बने दिखाई दे रहे हैं, और किस मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है। अगर हम इस कंपाउंड के बारे में बात करें, ठीक है भाई, ये कंपाउंड के बारे में, हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप, अगर इसका रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है भाई। ये जो आपका Na4 ये दिया Na4Xe(O)6, यहाँ से आप ये आयन निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई, ये Na का कितना होता है +1 चार्ज, ये तो आप ऐसे ही कर लीजिए, ये 1 है और ये 4 है, क्रिस क्रॉस करिए, 4 इधर चला जाएगा और ये 1 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे 4 पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे तो 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ H2SO4, हम लोगों ने सीखा हुआ है जो सल्फेट आयन होता है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होता है, -2 होता है सल्फेट आयन के पास में। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हर एक हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा हाइड्रोजन निकालेंगे तो दूसरा नेगेटिव चार्ज,
मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज निकालते जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज वहां पर डेवलप होता जाएगा। सिमिलरली यहां से जितना सोडियम निकालते जाएंगे हर एक सोडियम के पास में कितना चार्ज है, प्लस वन का ऑक्सीडेशन स्टेट है या चार्ज है, ठीक है भाई। अगर उसको निकालते जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप होता जाएगा। यहां से अगर आप फोर सोडियम निकाले तो यहां पर फोर माइनस डेवलप हो जाएगा, जो इस रिएक्शन का पार्ट है XeO6। यहाँ से आपको क्या मिलेगा भाई, 4Na+ आपने निकाल दिया तो यहाँ से XeO6 और ये 4- आपको मिल जाएगा। ये रिएक्शन का पार्ट है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इस रिएक्शन में इस सब्सटेंस का ये पॉलीएटॉमिक आयन बोल सकते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन इस सब्सटेंस का हो रहा है रिडक्शन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम ही करेगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आसानी से आंसर किया जा सकता है।